सिविल सेवा दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवकों को करेंगे संबोधित। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार भी देंगे प्रधानमंत्री। कर्नाटक चुनाव की घोषणा के बाद आज पहली बार राज्य के दौरे पर होंगे बीजेपी नेता और मंत्री अमित शाह। मैसूर के देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। कांग्रेस जेडीएस के नेता भी प्रचार अभियान में जुटे। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने रखी है मांग। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के सभी स्कूलों में आज से छुट्टी। ओडिशा सरकार ने भी बंद किए स्कूल, लेकिन हिमालय की चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। सूडान में फंसे भारतीयों को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की सलाह, बेवजह जोखिम ना लें। उनकी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है सरकार। न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर। सूडान G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन संकट पर हुई बातचीत। यूएन चीफ की ओर से ईद पर सूडान में संघर्ष विराम की अपील। मौजूदा आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मात देकर हासिल की पहली जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हराया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर हैदराबाद से है मुकाबला। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं